टेलीविजन से लेकर बॉलीवुड तक अपनी जगह बनाने वाली मौनी रॉय इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफी सुर्खियों में है। दरअसल मौनी रॉय दुबई बेस्ट बॉयफ्रेंड सूरज नाम्बियार को डेट कर रही है और दोनों इसी महीने शादी करने वाले हैं। वैसे आपको बता दें, अपनी खूबसूरत अदाओं से लाखों लोगों को दीवाना बनाने वाली मौनी रॉय पहले बिल्कुल भी ऐसी नहीं दिखती थी। मौनी अपने करियर के शुरुआती दिनों में बेहद अलग लगती थी और अपने लुक्स और ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर मौनी काफी चर्चाएं बटोर चुकी है। मौनी की पहले की और अब की तस्वीरों में फर्क कर पाना मुश्किल हो गया है। मौनी रॉय ने वर्कआउट, डाइट और सर्जरी की मदद से अपना पूरा लुक और बॉडी स्ट्रक्चर बदल लिया है। शुरुआती दिनों में मौनी काफी अलग और सावली भी दिखती थी। हालांकि सर्जरी के बाद मौनी काफी खूबसूरत और गोरी हो गई है। फिल्म भारत के प्रीमियर में दिखी मौनी रॉय को सोशल मीडिया यूजर्स ने उनकी प्लास्टिक सर्जरी के लिए काफी ट्रोल भी किया था। सिर्फ चेहरा ही नहीं बल्कि मौनी रॉय ने अपनी बॉडी को भी काफी चेंज किया है। रिपोर्ट्स की माने तो मौनी ने अपने लिप सर्जरी करवाई है, लेकिन उन्होंने खुद इस बात को कभी स्वीकार नहीं किया। मौनी अपने लुक्स में किए गए बदलाव की वजह से काफी ट्रोलिंग का शिकार भी हो चुकी है। चेहरे के साथ साथ मौनी के शरीर में भी काफी बदलाव आया है। अब वो अपनी फिटनेस पर काफी फोकस रहती है और पहले के मुकाबले वो काफी स्लिम ट्रिम भी नजर आती है। दोस्तों आपको बता दें, 28 सितंबर 1985 को पैदा हुई मौनी रॉय बंगाल के कूच विहार से ताल्लुक रखती है। मौनी रॉय को एक्टिंग विरासत में मिली है। उनके दादा शेखर चंद्र राय जत्रा एक थिएटर आर्टिस्ट थे, तो वहीं उनकी माँ भी एक थिएटर आर्टिस्ट रह चुकी है। वहीं मौनी के पिता अनिल रॉय कूच विहार जिला परिषद में ऑफिस सुपरिटेंडेंट थे। 12th की पढ़ाई के बाद मौनी रॉय ग्रेजुएशन के लिए दिल्ली आ गई। वो अपने स्कूल में डांसिंग के लिए काफी फेमस थी और दिल्ली में पढ़ाई करते समय मौनी एक बेहतरीन कोरियोग्राफर भी बन गई थी। वहीं मौनी के करियर की बात करें तो उन्होंने फिल्म रन में बैकग्राउंड डांसर के रूप में अपना काम शुरू किया, लेकिन उनके करियर की असली शुरुआत एकता कपूर के हिट शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी से हुई थी। इसके अलावा दीव के दीव महादेव से मौनी की फैन फॉलोइंग में काफी बढ़ोतरी हुई। 2015 में एकता कपूर के शो नागिन से मौनी ने अपने सफलता के झंडे गाड़ दिए। तो वहीं टीवी के अलावा मौनी रॉय कई बॉलीवुड फिल्मों में भी नजर आई, जिनमें अक्षय कुमार की फिल्म गोल्ड और राजकुमार राव की फिल्म मेड इन चाइना शामिल है। तो दोस्तों आपको मौनी रॉय को ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और भी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें गजब खबरें।